and welcome back to my brand new vlog. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे तरफ बहुत ही ज़्यादा मज़े में आएंगे। तो इसे सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइम बता दूँ कि टाइम क्या हो रहा है। इट्स 9:41 और सुबह के 9:41 और मतलब आज संडे है। कौन भाई क्या कर रहा है, सुबह सुबह पता नहीं क्या लोग करना शुरू होता था। खैर तो अभी हो रहा है 9:41 और हमने आज कहीं से हमें इन्विटेशन आया है, हमने जाना है, नाश्ता करना है। ये रीजन है कि आज मैं इतना जल्दी उठ गई क्योंकि पूरे हफ्ते के बाद ना एक संडे होता है जिसमें सोना होता है। जो लोग इस बात के साथ रिलेट कर सकते हैं ना, आप कमेंट सेक्शन में आके जल्दी से मेरे साथ मेरे गमों के साथ शरीक हो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। खैर तो अभी हमने चलना है उधर, 10 बजे तक उन्होंने कहा था कि पहुंच जाना है और 9:41 हो रहा है और अभी तक मैं घर में हूँ और वो भी स्विमिंग सूट में और सारे सो रहे हैं। किसी को कोई आइडिया नहीं है कि हमने कहाँ जाना है, क्या खाना है। बस मैंने उनको ये बता दिया था कि हमने नाश्ता करने जाना है। तो नाया सारे सब लोग सो रहे हैं तो पहले चल के उनको उठाते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर चलते हैं। तब तक जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक करते, शेयर करते, कमेंट करके बताया करें कि मेरे व्लॉग्स कैसे लगे ताकि मैं और मजे मजे के व्लॉग्स आप लोगों के लिए लाती रहा करूं। खैर तो चले चलते हैं। सारे उठो, सारे जाना नहीं है, उठो उठो। ब्रेकफास्ट करने जाना नहीं है, उठो। अनाया को भी उठाया तो यहाँ पे आके सो गया। नाया उठो उठो उठो, ब्रेकफास्ट करने जाना नहीं है। गुड नाइट ननू, हाँ हाँ ननू यहाँ पर उठ गई है, ननू गुड गर्ल। इन दोनों को उठाना बहुत मुश्किल काम है लेकिन उठ गए हैं सारे, फिर सो गए। उनको मामा ही बस उठा सकते हैं, आपको ही उठा सकते हैं। पहले कह रहा हूँ नहीं कॉपीराइट किस चीज का आएगा। बाबा बाबा भी उठ गए। आपने जैसे मुझे उठाया है ना, मैं गाना गाऊंगी आपकी वीडियो को, कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ की आवाज पता है कैसी लग रही है आजकल ना इंस्टाग्राम पे, वो एक पूरी वो जनरेशन बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। पहले वो छोटी बेटी आती है, फिर उसकी अम्मा 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 आती है। तो जो लास्ट वाली उसकी पढ़ 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 वाली नानी है ना, ऐसे बोलती है, मैं कर दूंगा मैं किसी की इंसल्ट नहीं करी। तो वो बता रही ना को तो ऐसे 1 million zillion jillion dillion cotillion times later। सो गाइस यहां पे मैं तैयार हो चुकी हूं और अभी आप लोगों को दिखाती भी हूं कि मैं क्या पहना हूं। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, मुझे वो इयररिंग्स नहीं मिले उसमें है। वो फिर दूसरे ज्वेलरी बॉक्स में चेक कर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही ज्यादा क्या होता है मजे में होंगे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। और नायक के नीचे चेक कर सकते हैं क्या? कुत्ते गंदे वाला पिंपल निकला था उससे यहाँ सारा जख्म हो गया। जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं हो भी गई हूँ। तो गाइस ये मैंने पहने हैं फ्री पीस। क्या मैंने मनवाने आपके पीने देंगे आपको वापस? गाइस यहाँ पे मैं रेडी हो गई, मैंने 3 पीस पहने हैं और मैंने इन सबको भी कहा है कि कोई ट्रेडिशनल से कपड़े पहने। इनका आइडिया बिल्कुल भी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस इनको ये पता कि हम नाश्ता करने जा रहे हैं। तो नाश्ता करा कौन रहा है? आपके पास इतने पैसे आप कराओ, पैसे अब्बा ने देने। आप करा रही हो? नहीं बाबा ने पैसे तो नहीं दे रहे। चलो आपको पैसे दे रहे हैं।
हेलो जी, वेलकम बैक माय फूडी फेलोज। फूडीज फेलोज इसलिए क्योंकि आज हम बना रहे हैं फूड व्लॉग, तो इसलिए ना भी कुछ हटके होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फाइनली पहुँच गए हैं बट मूर्ख चने। पहुँचने से पहले सुनने में आ रहा था कि बहुत ज्यादा लाइनें लगी हुई थी, बहुत ज्यादा रश था, लेकिन पहुँचने के बाद भी कुछ कम रश नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम इतने लेट हो गए थे कि ऑनर भी हमारा वेट कर करके चले गए थे। तो इनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पर इनकी पैकिंग जो है वो फुल जोरों शोरों से ऑन है। ना सिर्फ इनकी डाइनिंग है बल्कि इनका ऑर्डर भी बहुत ज्यादा जो है वो डिलीवर हो रहा है। सबसे पहले अगर बात की जाए इनकी लोकेशन की, तो मैं आई थी दरोगे वाला ब्रांच में। इनकी 6 ब्रांचेज और भी हैं। आप लोगों के घर के पास कोई ब्रांच है या नहीं उसको चेक करने के लिए अभी जाके बट मूर्ख चनो के टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, इन चारों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाके देख सकते हैं कि इनकी कहाँ कहाँ ब्रांचेज हैं। अगर फर्दर और डिटेल्स चाहिए तो आप इनके नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। मुझे तो जी नीचे खुशबुओं से जो है वो कुछ हो रहा था पेट में, क्या ना चूहे T20 का मैच खेलना शुरू हो गए थे। इनके मेन्यू में इनके तिलो वाले स्पेशल नानों के साथ था मूर्ख चने, अंडा चने और साथ में कोफ्ते चने और इनके स्पेशल पाए। इनके पास रश बहुत होता है, तो अगर आप लोगों ने इनको विजिट करना है तो सुबह सुबह करें ताकि आप लोगों को इनकी हर फैसिलिटी मिले। और इन सब चीजों के साथ जब लस्सी और साथ में चाटी लस्सी आती है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल काम हो जाता है। खैर, खुशबुओं से भूख जो है वो बहुत जोरों की लग गई थी। आगे जाके मैं आपको रिव्यू भी देती हूँ साथ साथ, और आपकी बहन बिल्कुल ऑनेस्ट वाला रिव्यू देगी, पक्की बात है। अच्छा, आपस की बात है, सुबह सुबह मेरे से कहीं पर भी जाके कहीं पर भी नाश्ता नहीं किया जाता। चाहे मैं किसी के घर जाऊं या चाहे बाहर जाऊं, मेरे से नाश्ता नहीं होता। और ये चने पाए शायद तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जब इनकी पहली बाइट तोड़ के मुंह में डाली थी ना, ओ माई गॉड, मजा आ गया था नाश्ता करने का। मतलब पता चल रहा था कि कोई मतलब नाश्ता है। सही देसी लोरी वाइब आ रही थी। और मुझे पाए किसी के पसंद नहीं आते एक्सेप्ट मामा के हाथों के, लेकिन ये बहुत कमाल के थे। अगर आप लोगों को मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है तो मैं आप लोगों को नाया सारिम का भी दिखा देती हूँ। उनको भी इतना मजा आ रहा था ना। ये भी मेरे बहन भाई हैं, इसलिए इनसे भी बाहर का कहीं से खाया नहीं जाता, लेकिन ये इन्होंने भी बहुत ही मजे का खाया था। हैं, मजे से खाया था। फिर जी यहाँ पे आ गई हमारी मीठी लस्सी, क्योंकि नाश्ता और मीठी लस्सी ना ऐसा हो ही नहीं ना सकता। मतलब वो अलग बात है कि बाद में फिर हर जगह सोए पड़े होते हैं। वैसे लस्सी पीने के बाद सोने का क्या लॉजिक है मुझे आज तक समझ नहीं है, क्या साइकी है, लेकिन मुझे नींद बहुत आती है। इतना लेट आने के बाद भी इनकी लस्सी सही ठंडी और मजे की मीठी थी। बिल्कुल एक्यूरेट लेवल था इनका, चीनी का, दूध, दही, सब कुछ परफेक्ट था। और जहाँ तक बात आती है चाटी की लस्सी की, मैंने काफी जगहों से पी है, लेकिन वो अजीब सा टेस्ट होता था, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा मजे की थी। लग ही ना रहा था कि चाटी की लस्सी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है इनके साथ बहुत ही कमाल का रहा था। ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। इनकी सर्विसेज भी बहुत कमाल की थी। मैं तो इनको ओवरऑल जो है रिव्यू 10/10 दूंगी। इवन मेरी फैमिली का भी यही रिव्यू है। आप लोग भी इनको विजिट करके अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है देन सब्सक्राइब फॉर मोर।